नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टाइम मोटर्स की आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो गाड़ी से सुबह सुबह धुआं निकलता है उसकी क्या वजह होती है और क्यों ये धुआं निकलता है इंजन से, एग्जॉस्ट के थ्रू। कुछ लोग समझ लेते हैं कि इंजन में प्रॉब्लम आ गई है, उस वजह से ये धुआं निकल रहा है। तो क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए टेक एंड मोटर्स को ऑटोमोबाइल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पाते रहने के लिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि मॉर्निंग में जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ वो स्टार्ट थोड़ी मुश्किल से होती है, मतलब ईजिली स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन वो थोड़ा झटका लेती है, उसमें हल्का सा एक्सेलेरेटर खींचना पड़ता है और एक्सेलेरेटर खींचने के साथ साथ वो इंजन थोड़ी थोड़ी देर बाद नॉर्मल होता है, वरना ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल ख़त्म हो गई हो और इंजन बार बार बंद होता है और उस पर एक साथ आप गियर डालकर उसे चलाने लग जाएं गाड़ी को, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर आप यूज़ करने लग जाएं तो वो झटके मारता है जैसे कि फ्यूल ख़त्म हो गया हो। तो क्यों होता है ये होता है इसलिए कि सबसे पहली बात, आपका इंजन जो है वो नॉर्मल रनिंग टेम्परेचर पर नहीं आता है। जी हाँ, खासकर सर्दियों में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी कि धुआं दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि वो रनिंग टेम्परेचर पर नहीं आता है इंजन, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ये मेटल जो है वो सिकुड़ती है और खुल जाती है हीट की वजह से वो फैल जाती है और अगर टेम्परेचर गिर जाए तो वो सिकुड़ जाती है। उसी तरीके से अंदर सिलेंडर में भी यही प्रोसेस हो रही होती है, जहाँ पिस्टन चलता है वहाँ भी यही प्रॉब्लम आती है। और जब वो सिकुड़ा हुआ होता है, यानी कि थोड़ा सा फ़र्क होता है उसमें, सिलेंडर जब श्रिंक्ड होता है तब वहाँ पिस्टन को चलने में थोड़ी मुश्किल होती है। धुएं वाली बात जो है वो रहती है कि उसमें थोड़ी नमी रहती है ठंडे मौसम के कारण, जिसकी वजह से वो भाप बन के बाहर निकल रही होती है और जो इंजन है वो मशक्कत कर रहा होता है अपने आप को नॉर्मल रनिंग टेम्परेचर में लाने की, फ्यूल बर्न कर करके अंदर। उस टाइम पर हमें गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना है, थोड़ी देर लगभग एक मिनट उसे गर्म कर लें। बहुत सी कार में तो ये चीज़ ख़त्म सी हो गई है क्योंकि उसमें ECU वगैरह आने लगे हैं, मतलब बहुत टाइम से आ रहे हैं, सॉरी। तो वहाँ वो रिच मिक्सचर देती रहती है, लीन मिक्सचर नहीं देता है जब तक इंजन नॉर्मल रनिंग टेम्परेचर पर ना आ जाए। लेकिन जिसमें कार्बोरेटर यूज़ होता है उसमें आज भी टाइम लगता है इंजन को नॉर्मल रनिंग टेम्परेचर पर आने में, और जिसकी वजह से हमें तुरंत गियर डालकर नहीं चलाना चाहिए। एक तो वो रनिंग टेम्परेचर पर नहीं है, श्रिंक्ड है वो सिलेंडर जिसमें पिस्टन चल रहा है, और पिस्टन और रिंग भी उस टाइप से शेप में नहीं रहती है। हालांकि मटेरियल कुछ इस तरीके का यूज़ किया जाता है कि बहुत ज़्यादा मौसम का फ़र्क ना पड़े, लेकिन फिर भी इतना फ़र्क तो पड़ता है उस पर, और उसकी वजह से वो देता है धुआं। धुएं में भी दो टाइप के धुएं होते हैं, एक तो होता है बिल्कुल ब्लैक, जो एकदम अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ पर ब्लैक कार्बन टाइप का आ जाएगा, और एक होता है वाइट जो आपको अक्सर देखने को मिलता है। वैसे धुआं नॉर्मली ब्लैक ही दिखेगा आपको, लेकिन जो बहुत ज़्यादा काला है वो होता है ऑयल का, जहाँ पर लोग कहते हैं कि इंजन पे आ गई गाड़ी या बोर होगा ऐसा कुछ या पिस्टन डलेगा, जो भी है उसमें बात होती है कि यहाँ पर उन्हें करना होता है वो चीज़ कि आ गया है वो बोर पर, यानी कि वो ऑयल का धुआं है, ऑयल जा रहा है सिलेंडर के अंदर और वो बर्न हो रहा है ऑयल, जिसकी वजह से वो धुआँ आ रहा है, वो होता है एक नेगेटिव पॉइंट जो इंजन में प्रॉब्लम आने का साइन होता है। लेकिन अगर वाइट धुआं आ रहा है तो आप थोड़ी देर गाड़ी को गर्म कीजिए, उसके बाद धुआं नहीं आएगा। मेरे यहाँ खुद स्प्लेंडर है, वो धुआं देती है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है उस चीज़ को चेक करने का कि आप थोड़े टाइम बाद ये चेक कर लीजिए कि इंजन में जो ऑयल का लेवल है वो परफेक्ट है या नहीं है, कहीं ऑयल का लेवल कम तो नहीं हो गया है। अगर ऑयल का लेवल कम हो रहा है, अगर काले सफ़ेद धुएँ से पता नहीं चल रहा है ऑयल का लेवल कम हो रहा है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है इंजन को चेकआउट करवाने की। लेकिन अगर ऑयल कम नहीं हो रहा है, बहुत मामूली सा तो फ़र्क आ जाता है, लगभग 2000-2500 किलोमीटर के बाद आने लगता है, पता चलने लगता है ऑयल का फ़र्क, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो धुआं देना है वो नॉर्मल है, गाड़ी को हमेशा थोड़ा सा गर्म कर लें, खासकर कार्बोरेटर वाली गाड़ियों को थोड़ा सा गर्म कर लें, 5-10 मिनट चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गर्म करें। और साथ ही साथ एक्सेलरेटर जो लोग मार देते हैं बहुत ज़्यादा, एकदम सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते ही फुल रेव कर देंगे इंजन को, पूरा एक्सेलरेटर खींच देंगे, तो वो भी एक गलत चीज़ है, आप लोग ऐसा ना करें। उसको पहले इंजन को गर्म होने दें,
एक नॉर्मल रनिंग टेम्परेचर में आने दें, जो पिस्टन वगैरह हैं वो बिल्कुल से अपने शेप में आ जाएं, उसके बाद ही ऐसा कुछ करें। धुएं की इतनी ज़्यादा टेंशन आप ना लें, अगर ऑयल कम होता है तो वहाँ एक प्रॉब्लम होगी, नहीं होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद से ऑयल चेक कर सकते हैं, कभी कभी जो मैकेनिक्स होते हैं वो भी जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं लोगों को कि इंजन होगा या इंजन में ये काम होगा या वो काम होगा, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी टैपेड टाइट लूज की वजह से भी धुआं आ जाता है, तो उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए टेक एंड मोटर्स को। आपके जो भी सवाल सुझाव या राय हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब संडे को कमेंट शाला सेशन में देता हूं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप किसी भी वीडियो की अपडेट को मिस ना करें। और अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। नमस्कार, धन्यवाद।